हेलो प्यारे दोस्तों, तो ये वीडियो हमारा पार्ट टू वीडियो है जो हम क्लास टेंथ का मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि हमने ये जो हमारा 10th क्वेश्चन है यहाँ तक पिछले वीडियो में कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको समझा रहा था, तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज। तो ये तो हमारा हो गया इंग्लिश मीडियम में। अब इसी क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए। एक थैले में 6 लाल गेंदे और 5 नीली गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली गई, नीली गेंद आने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जो बैग है हमारा, उसमें रेड बॉल्स कितनी है, रेड हमारी 6 बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स कितनी है, 5 है। तो हमसे पूछा है कि नीली गेंद आने की प्रायिकता, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ब्लू बॉल का। तो प्रोबेबिलिटी हम ब्लू बॉल का कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ब्लू बॉल हमारे टोटल कितने हैं, 5। तो 5 हमारा आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा, टोटल कितनी बॉल्स हैं वे। तो 6 और 5 11, यानी कि 5/11 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लू बॉल के आने की, ठीक है। तो इसीलिए 5/11 ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। तो इसीलिए 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये रहा हमारा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। What type of lines will its graph represent? तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा हमारा, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करेगा? तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जब जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल्स वाले, तो उनके अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक अद्वितीय हल होता है, तो जो ग्राफ होता है उस पर लाइंस हमारी इस तरह से इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। और अगर हमारा नो सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशंस का, तो उसके लिए नो सॉल्यूशन का हमारा जो लाइंस होता है वो होता है पैरेलल, यानी कि इस तरह की लाइंस होती हैं नो सॉल्यूशन में। और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारा, मैनी सॉल्यूशन के लिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से पास होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, और इसको पैरेलल लाइन्स, और इसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसीलिए जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स वाले होते हैं, उनमें अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए इंटरसेक्टिंग, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए 12th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी होंगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें बोला है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड एंगल ए 45 डिग्री, एंगल सी 55 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ई इज। तो इसमें हमसे एंगल ई की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और कोण ए 45 डिग्री, कोण सी 55 डिग्री, तो कोण ई का मान हमसे पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल्स बोले गए हैं। एक तो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा हमारा ट्रायंगल है डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, यानी कि समरूप हैं। तो एंगल ए हमारा 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अब अगर ये एंगल ए 45 डिग्री है ट्रायंगल एबीसी में,
तो ट्रायंगल DEF में एंगल D जो है ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर है, तो इसीलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अलावा एंगल C 55 डिग्री है, ये वाला एंगल 55 डिग्री है, तो एंगल F जो है वो एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी हमारा 55 हो जाएगा। अब हमसे एंगल E की वैल्यू पूछी गई है, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए ये हमारा ABC यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 में से अगर इन दोनों एंगल्स को हम माइनस कर देंगे तो एंगल B हमको पता चल जाएगा। तो 45 और 55 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80, यानी एंगल B 80 हो जाएगा। तो एंगल B 80 है, तो एंगल E जो है ये भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। तो 80 ये देखिए डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए 13th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले मैं आपको ये एक सैंपल पेपर की बुक सजेस्ट करना चाहता हूं, और ये सैंपल पेपर की बुक ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है। इसका नाम है 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स सीबीएसई क्लास 10th। तो आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ये सैंपल पेपर की बुक बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस बुक में आपको हर एक सब्जेक्ट्स का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी ए एंड बी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट्स का इस बुक में आपको 6 to 8 सैंपल पेपर दिए गए हैं ईच सब्जेक्ट्स के। जैसे कि इंग्लिश के भी 6 to 8 सैंपल पेपर्स, हिंदी के भी इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के 6 to 8 सैंपल पेपर्स आपको इस सैंपल पेपर की बुक में दिए गए हैं विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके अलावा सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसका भी इस बुक में प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ करके दिया गया है, और हर एक सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर अनसॉल्व भी दिया गया है, ताकि आप उसे खुद से सॉल्व करके आप पता लगा सको कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस बुक को परचेस करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 17.6 सेंटीमीटर इन लेंथ, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज। तो इसमें हमसे लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हिंदी में आप रीड कर सकते हैं, एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तथा 17.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप बनाता है, इस दोलन की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमसे बोला है कि एक पेंडुलम जो है वो स्विंग करता है एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं कि ये हमारा पेंडुलम है, ये इस तरह से स्विंग करता है और ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहां पर एंगल जो है ये 30 डिग्री का हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये हमारा हो जाएगा आर्क यानी कि चाप। तो चाप की लंबाई हमें 17.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि ये जो है ये आप देख रहे हैं जो ये हमारा पेंडुलम है, तो इस सिचुएशन में ये हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आर्क। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है, तो इसमें हम लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 17.6, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल में थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22 अपॉन 7 लेना है इंटू आर हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब सबसे पहले ये 0 से 0 कैंसिल, और इसके अलावा ये 3 के टेबल से 1 टाइम में और ये 12 टाइम में, ये 2 1 2 2 6 12, इसके बाद अब हमारा क्या कटेगा, ये 2 3 6 और ये 2 के टेबल से 11 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए यहां से हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 176 अपॉन
10, और इसके बाद इस 7 और 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 और 7, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचा, r बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 वन जा 11, ये 11 वन जा 11 और 11 सिक्स जा 66, ठीक है। इसके बाद अब हमारा क्या कटेगा, अब हम 16, 3 और 7 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, 3, 6 और अपॉन में 10 है, इक्वल में r है, 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 33.6 आ जाएगा और ये r, तो r की वैल्यू 33.6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमें 33.6, ये रहा बी ऑप्शन में, तो 14th क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो इसमें बोला है अ सर्वेयर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर, ही मेजर्स एंगल ए एज 10 a equals to 3/4. What is the height of the tower if A is 40 meter from its base as shown in the figure? तो यहाँ पर ये फिगर हमें दिया गया है और इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में देखिए। एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है, उसने एंगल A के लिए 10 a 3/4 प्राप्त किया। आकृति अनुसार यदि A मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित है तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं मीनार की ऊंचाई हमारी ये है BC, ठीक है। तो हमें ये जो दिया गया है A से लेकर B तक, इसकी वैल्यू हमें 40 मीटर दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें 10 a, ये हमें दिया है 3/4, ठीक है। तो 10 a हमें 3/4 दिया गया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 का हमारा रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, 10 का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे में आधार। तो यहां पर हमारा 10 a है, यानी कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा थीटा, यानी कि मेन एंगल ये हो जाएगा, तो इसके ऑपोजिट साइड, सामने वाली जो ये साइड है ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इसीलिए ये जो BC है ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके बाद ये हमारा अपॉन में क्या है बेस, तो बेस हमारा हो जाएगा ये AB, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 3/4 लिखेंगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हमको नहीं पता है, ये हमारा BC है तो BC लिख देंगे, अपॉन में बेस, बेस हमारा 40 मीटर है तो ये 40 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का 3 में मल्टीप्लाई 120 होगा, 4 का BC में मल्टीप्लाई करेंगे 4 BC आएगा। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC इक्वल्स टू ये 120, 4 इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 वन जा 4, ये 4 के टेबल से 30 टाइम में कटेगा, तो BC हमारा आ गया 30, और ये मीटर, क्योंकि ये हमें मीटर में दिया है, तो 30 मीटर ये रहा हमारा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द बिलो ग्राफ इज, तो ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, निम्न ग्राफ में दर्शाए गए बहुभुज के शून्यकों की संख्या है। तो इसमें हमसे शून्यकों की संख्या पूछी गई है, ये जो हमें ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ हमें दिया गया होता है तो हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए ये जो लाइन है इसको हम देखते हैं कि इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा हो या फिर टच कर रहा हो उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इस ग्राफ में देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 बार इस एक्स एक्सिस पर ये लाइन कट कर रहा है, तो इसीलिए इस ग्राफ का हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 3, तो ये रहा डी ऑप्शन में 3, तो इसीलिए हमारा 16 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3/2 देन 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, यदि कोसेक थीटा 3/2 तो
चार कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान है, तो हमसे इसमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो हमें ये गिवन है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3/2, तो इसको हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3/2। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हम इसमें एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, हमें पता है कि 1 + cot² θ इक्वल्स टू क्या होता है, cosec² θ होता है, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि cot² θ को एज इट इज लिखेंगे, ये cosec² θ 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, तो cot² θ इक्वल्स टू ये हो गया हमारा। अब जो हमसे जिसकी वैल्यू पूछी है उसको हम लिख लेते हैं, हमसे 4 (cosec² θ प्लस cot² θ की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 4 को तो एज इट इज लिखेंगे, और यहां से ये cosec² θ है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, cosec² θ प्लस cot² θ। यहां पर देखिए cot² θ इक्वल टू किसके है, cosec² θ माइनस 1 के, तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं cosec² θ माइनस 1। अब इसके बाद ये 4 cosec² θ प्लस cosec² θ, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cosec² θ, और ये माइनस 1 है, इसको एज इट इज लिख देंगे हम। हमने क्या किया कि cosec² θ इसका मतलब है कि 1 cosec² θ प्लस cosec² θ यानी कि 1 cosec² θ, दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस करके 2 cosec² θ आ गया, माइनस 1 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें cosec θ की वैल्यू 3/2 दिया है, लेकिन यहां पर cosec² θ है, तो अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हमारा cosec, ये हो जाएगा cosec² θ, इधर हम स्क्वायर करेंगे तो, और इसमें स्क्वायर करेंगे तो 3² 9/2² 4 हो जाएगा, तो cosec² θ की वैल्यू 9/4 ये हम लिख सकते हैं। तो इस 4 को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट में ये 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 9/4, तो इसकी जगह पर 9/4 आ गया, और ये माइनस में 1 है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद ये 2 1 2 2 2 4 कट गया, तो अब इधर हमारा 9/2 - 1 बच रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/2 - 1 को, तो ये 9 2 1 2 2 तो ये आ जाएगा 7/2, तो ये 4 ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करने पर 7/2 आ रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 7 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 14 आ गया हमारा आंसर। अब 14 कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, तो इसीलिए 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल हेयर PB प्लस CR इज इक्वल्स टू। तो हमसे PB प्लस CR की वैल्यू पूछी गई है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल पर एक ये हमारा टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, तो सर्कल पर जो एक ही पॉइंट से टेंजेंट खींचे जाते हैं तो दोनों जो टेंजेंट्स होते हैं ना, ये और ये, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में रीड करा देता हूं। देखिए, दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है, यहाँ PB प्लस CR बराबर है, तो PB प्लस CR की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए PB हमारा कहाँ है, PB ये रहा और CR ये रहा, दोनों यानी कि PB प्लस CR की वैल्यू हमें बताना है, तो कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो PB है और ये BQ, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये PB टेंजेंट और ये BQ टेंजेंट, ये दोनों क्या होंगे, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से इस सर्कल पर
खींचे गए हैं टेंजेंट। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पी बी इक्वल्स टू होगा बी क्यू के। इतना आपको क्लियर होगा। इसी तरह से ये जो हमारा सी क्यू और ये सी आर, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो इसीलिए हमारा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू होगा। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि पी बी प्लस सी आर इक्वल्स टू ये हमारा बी क्यू प्लस ये सी क्यू। तो ये पी बी प्लस सी आर इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू देखिए ये है, सी क्यू ये है, तो बी क्यू यानी इतना और सी क्यू यानी कि इतना, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, यानी कि सी बी, सी बी या फिर बी सी एक ही बात है। तो इन दोनों की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं। तो पी बी प्लस सी आर की वैल्यू बी सी आ गया, बी सी देखिए ये रहा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए हमारा 18th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले 19th को करते हैं। इसमें असर्शन में हमें दिया है ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो हमसे बोला है कि यहां पर सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखिए, अभिकथन हमें दिया है ए बी सी ए पी में है यदि और केवल यदि टू बी बराबर ए प्लस सी हो। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। हमसे बोला है कि ए पी में कोई ए पी है उसमें ए बी सी है, तो हमें बोला है टू बी बराबर ए प्लस सी है, तो हम चेक करेंगे कि क्या टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर एक एपी ले लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, ये एक छोटा सा हमने एपी ले लिया। अब इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं 3-1 यानी कि 2। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमसे बोला है कि टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, तो टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर इस एपी में ये जो 1 है ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू, ठीक है, और ये जो 3 है ये हो जाएगा b की वैल्यू और c की वैल्यू ये 5 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू बी, बी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू a, a की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 5, 2, 3 जा 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6। तो ये आप देख सकते हैं दोनों हमारे LHS और RHS इक्वल हैं, तो यानी कि हमारा जो assertion है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमसे बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। हिंदी मीडियम में पहली एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग एन स्क्वायर है। तो जैसे कि ये हमारी एपी है, इसी को हम ले लेते हैं, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या है, ये नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 यानी कि 9 आ जाएगा। और इनका ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 है ये टोटल, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपको इस तरह से एपी दिया गया हो जिसमें नेचुरल ऑड नंबर हो, तो इनका सम फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जितने नंबर्स हैं उनका आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो इनका सम आ जाएगा। जैसे कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा क्या है, इन सब का सम है। आप चेक कर सकते हैं 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9, ठीक है। तो यानी कि हमारा रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है ये इस assertion को explain नहीं कर रहा है, इसका explanation नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये B option correct हो जाएगा 19th question का, ठीक है। देखिए both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, तो इसीलिए हमारा 19th का B option correct हो जाएगा। अब इसके बाद next question number 20, assertion में दिया है if the points A 4,3 and B x, 5 lie on a circle with center O 2,3, then the value of x is
टू। तो ये हमारा assertion है और रीजन में है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोर्ड ऑफ द सर्कल। हिंदी मीडियम में यदि बिंदु ए 4.3 और बी 5 केंद्र ओ 2.3 वाले वृत्त पर स्थित हैं तो एक्स का मान 2 है। हमसे बोला है एक्स का मान कितना है, 2 है। अब इसी को हमें चेक करना है कि क्या एक्स का मान यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स 2 है कि नहीं। तो ये अब हम वेरीफाई करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे हम, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। हमें बोला है कि पॉइंट ए एंड बी क्या है कि लाई कर रहे हैं सर्कल पर विद सेंटर ओ और इसका पॉइंट 2.3 है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और इसमें ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर। सेंटर क्या है हमारा ओ, इसका पॉइंट दिया है हमें 2.3, ये हो जाएगा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का है वैल्यू 4.3, ये 4.3 और ये हो जाएगा बी जो कि हमें दिया है 5। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये होता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, ये होता है हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये x और ये y, ठीक है, ये हमारा y2 है। तो हम इसमें, हमें इसमें क्या करना है कि ये x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम सिर्फ लेंगे, इससे हमारा x की वैल्यू आता है और इससे y की वैल्यू। तो x1 हमारा 4 है तो ये 4 प्लस x2 हमारा कितना है, x है, अपॉन में क्या है 2, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, x की वैल्यू यहां पर देखिए 2 है तो इसीलिए इक्वल में 2 लिखेंगे। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इधर बचा 4 प्लस x, ये 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर x बचेगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 4 में से, तो 4 - 4 0, x की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हमसे असर्शन में बोला है कि वैल्यू ऑफ x इज 2, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसीलिए असर्शन हमारा रॉन्ग है। अब रीजन देखिए, वैसे असर्शन हमारा रॉन्ग है तो रीजन को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी इसको हम रीजन को पढ़ लेते हैं, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोर्ड ऑफ द सर्कल, ये हमारा वैसे भी ये रॉन्ग है। बोला गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल यानी कि जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है ईच कोर्ड ऑफ द सर्कल, जितने भी कोर्ड होते हैं सर्कल के उन सब के। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, जैसे मैंने ये एक कोर्ड खींचा तो क्या इसका मिड पॉइंट ये हमारा सेंटर होगा क्या, नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा ये गलत है, ठीक है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का डी हो गया और 19 का बी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।